गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पुनः अध्ययन चर्चा में याता वृत्तांत अतीत में दबे पांव पढ़ने जा रहे हैं। इस हड़प्पाई संस्कृति के बारे में हम लोग काफ़ी कुछ जान चुके हैं। आज हम पूरे पाठ को एक प्रकार से तथ्यात्मक रूप में प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से समझने का प्रयास करेंगे। तो अभी तक हमने नगरीय संरचना, वहाँ के स्नानागार, भंडारा गृह, वहाँ की ग्रिड प्रणाली, सड़कों, व्यापार, खुदाई में प्राप्त वस्तुओं के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हम धर्म, शिल्प और अर्थव्यवस्था आदि के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। तो पहले भी ये सब हम बता चुके हैं कि ये जो सभ्यता है, ये बहुत इसमें आडंबर नहीं दिखाई पड़ता है। ये बहुत बड़ा नगर था, 85,000 जनसंख्या लगभग रही होगी अनुमानतः। इस सभ्यता की जो लिपि है वो पढ़ी नहीं जा सकी है। अगर संभवतः ये पढ़ी जा सके तो इसके बारे में और भी जानकारी मिल सकती है। लेखक इसके बारे में लिखता है कि सिंधु घाटी के लोगों में कला और सुरुचि का महत्व था। वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं, ये लोग वास्तुकला और नगर नियोजन में ही नहीं माहिर थे, अपितु धातु, पत्थर की मूर्तियां, मृदभांड, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति, पशु पक्षियों की छवियां, मोहरें, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृतियां, खिलौने, केश विन्यास, आभूषण, इन सब में बहुत ही सुगण अक्षरों में वहां की लिपि का वर्णन किया गया है। और विविध पशुओं पक्षियों की आकृतियों का भी वर्णन है, पत्थरों में भी आकृतियों का वर्णन, ये हम कल भी देख चुके थे। एक पुरातत्ववेत्ता हुए, उनके मुताबिक कहा गया है कि सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है, जो राजपोषित या धर्म पोषित न होकर समाज पोषित था। यानी बहुत ही सेल्फ डिसिप्लिन सभ्यता थी। ऐसा नहीं कोई राजा न रहता हो, कोई शासक न रहता हो, लेकिन फिर भी राज व्यवस्था होने के बावजूद भी लोग एक सामाजिक संरचना, सामाजिक ताना बाना बहुत मजबूत था, आपसी समरसता बहुत मजबूत थी। इस क्योंकि यहाँ पे बहुत ही छोटे छोटे, क्योंकि यहाँ पे औजार नहीं मिले हैं, यहाँ पे बहुत छोटी छोटी चीज़ें मिली हुई हैं, नावें मिली हुई हैं, छोटा मुकुट मिला है, इससे ये जाहिर होता है कि ये लोग लघुता में महत्ता का एहसास करते थे। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वहाँ तांबे व कांसे की बहुत सारी सुइयाँ मिली हैं, इसीलिए ताम्र काल की सभ्यता भी कहते हैं। लोहे का प्रयोग प्रमाणित नहीं हो पाया है। आगे खुदाई में नरेश की मूर्ति मिली है, जिसके बहुत ही प्रसिद्ध ये मूर्ति है, वहाँ के नरेश या राजा की मूर्ति, जिस पर इसके दुशाला पर कसीदाकारी की गई है, फुलकारी की गई है, फूल बनाए गए हैं। खुदाई में हाथीदांत तांबे के सुए भी मिले हैं, दरियाँ मिली हैं। मोहनजोदड़ो की खुदाई का काम बंद कर दिया गया है पानी के रिसाव के कारण। अब आगे धर्म के बारे में बताया गया है। लेखक कहता है कि टेराकोटा की लग मूर्तियों पर, एक स्थान का नाम है, वहाँ की मूर्तियों पर महिलाओं के चित्र पाए गए हैं। एक मूर्ति में महिला के गर्भ से उगते हुए पौधे को दर्शाया गया है। हड़प्पाई पृथ्वी की उर्वरता की देवी मानते थे, पृथ्वी की पूजा करते थे, वृक्षों की पूजा करते थे, अग्नि की भी पूजा करते थे। जिस प्रकार मिस्र के लोग नील नदी की पूजा करते थे, ऐसे ही लोग पृथ्वी की पूजा करते थे। पुरुष देवता के रूप में मोहरों पर तीन श्रृंगी चित्र पाए गए हैं, जो कि योगी की मुद्रा में बैठे हुए देवता के एक तरफ हाथी, एक तरफ बाघ, एक तरफ गैंडा, और उनकी सिंहासन के पीछे भैंसा का भी चित्र है। उनके पैरों के पास दो हिरणों के चित्र हैं। चित्रित भगवान की मूर्ति को पशुपतिनाथ महादेव की संज्ञा दी गई है। अनेक पत्थरों पर वृक्षों और पशुओं की भी मूर्तियाँ मिली हैं। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण पशु एक सींग वाला गैंडा और दूसरा पशु कुबड़ वाला सांड भी प्राप्त हुआ है। अनेक ताबीज भी प्राप्त हुए हैं। तो ये सब चीज़ें इससे वहाँ की धर्म के बारे में हम जान सकते हैं। आगे शिल्पकला के बारे में बताया गया कि ये लोग बहुत ही माहिर थे, ये उनके स्वयं के द्वारा निर्मित शिल्पकला थी। खेती बाड़ी में बहुत ही उन्नत कृषि व्यवस्था थी, टिन का प्रयोग करते थे संभवतः। राजस्थान की खेतड़ी खान से तांबा आता था, टिन अफगानिस्तान से संभवतः आता होगा। बुनाई में ठप्पे का प्रयोग करते थे, और राजगीर जो मिस्त्री हैं वे शिल्पकला में माहिर थे, जो
जौहरी थे, वे सोने चांदी और कीमती पत्थरों से आकर्षक मुहरे बनाते थे। बर्तन भी बहुत ही चमकदार वो लोग निर्माण करते थे। तो ये सारी प्राप्त वस्तुओं से हम अनुमान लगा सकते हैं कि वहाँ की शिल्पकला बहुत ही उन्नतशील थी। अर्थव्यवस्था के बारे में लेखक बताता है कि वहाँ अनगिनत संख्या में मोहरें और लिपि, एक समान लिपि, वजन मापन की विधियाँ, ये सब मिली हुई हैं। हड़प्पाई लोग पत्थर, धातुओं, सीपियों, शंख का व्यापार करते थे। धातु मुद्रा का प्रयोग नहीं करते थे, वो लोग वस्तु विनिमय करते थे, यानी वस्तु के बदले वस्तु का आदान प्रदान करते थे, ऐसा वर्णन में आता है, ऐसा प्रमाण में आता है। उन्होंने कुशल नौवहन प्रणाली भी विकसित कर ली थी। व्यापार करते थे नावों के द्वारा, और व्यापारिक बस्तियां भी थी उनकी दूसरे देशों में। गजला फरात नदियों की भूम वाले क्षेत्र से हड़प्पा वासियों के वाणिज्यिक व्यापारिक संबंध थे। आगे हमने इसको इस पाठ को तथ्यात्मक रूप में रखा है आपके समक्ष। ये जितने भी तथ्य लिए गए हैं इसी पाठ से लिए गए हैं, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला है, वर्तमान में मोहनजोदड़ो किस नाम से जानते हैं? मोहनजोदड़ो खोज कब और किसने की थी? तो आप जान सकते हैं 1922 राखालदास बनर्जी ने। यह किस काल के शहरों में सबसे बड़ा शहर है? इसका उत्तर होगा ताम्रकाल। मोहनजोदड़ो के अलावा सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा शहर कौन सा है? हड़प्पा। वर्तमान में यह पुरातात्विक स्थल कहाँ है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। 5000 साल पहले बना यह मोहनजोदड़ो शहर कितने क्षेत्र में फैला है? 200 हेक्टेयर में। अगला प्रश्न, इसकी आबादी लगभग कितनी थी? अनुमान लगाया था 85,000 रही होगी। ये किस प्रकार की संस्कृति मानी जाती है? मैदानी संस्कृति। इसकी सड़कें कितनी चौड़ी हैं? 33 फीट। अगला है, मोहनजोदड़ो खुदाई किसके निर्देश पर हुई? जॉन मार्शल। वही उस समय, उसको बाद उनको 1920 में तत्कालीन महानिदेशक भी बनाया गया, डायरेक्टर। 100 वर्षों में अब तक मोहनजोदड़ो कितने भाग खुदाई की गई है? 1/3। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी की सभ्यता किस सभ्यता के समकक्ष माना जाता है? मेसोपोटामिया, इराक की सभ्यता और मिस्र सभ्यता के समकक्ष माना जाता है, बल्कि इससे भी अति प्राचीन ये सभ्यता मानी जाती है, और इनसे कहीं ज़्यादा उन्नत और समृद्ध सभ्यता मानी जाती है। नागर भारत का सबसे पुराना लैंडस्केप किसे कहते हैं? बौद्ध स्तूप को। लैंडस्केप बोलते हैं प्राकृतिक क्षेत्र को कह सकते हैं, या प्राकृतिक दृश्य को लैंडस्केप कह सकते हैं। मोहनजोदड़ो के स्तूप के चबूतरे वाले हिस्से को किस नाम से पुकारते हैं? गढ़। एक प्रकार से मोहल्ले होते थे जो टीले पे बसे होते थे, उच्च वर्ग की बस्ती होती थी। यहाँ की आड़ी और सीधी सड़कों को आज के वास्तुकार क्या कहते हैं? ग्रिड प्लान एक प्रकार से समकोण पर काटती हुई सड़कें होती थी, उसको ग्रिड प्रणाली कहते थे। मोहनजोदड़ो का समाज कैसा था? साक्षर और सुसंस्कृत था। सिंधु नदी के पानी से बचने के लिए जमीन किस तरह कैसे उठाया गया? कच्ची पक्की ईंटों से। यहाँ कितने कुएं मिले? 700। कोठार में क्या संकर रूप में अनाज संग्रह किया जाता था? मोहनजोदड़ो में कुआं को छोड़कर सब और किस प्रकार के थे? कुआं चौकोर या आयताकार में थे। कुआं को छोड़कर बाकी जो भी मिला है भवन, वो चौकोर आयताकार में थे। मोहनजोदड़ो को देखकर लेखक भारत के किस राज्य को याद करता है? राजस्थान के कुलधरा गांव को। राजस्थान की धूप और सिंध की धूप में क्या अंतर है? राजस्थान की धूप पारदर्शी है, सिंध की धूप चौंधियाती है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित था? सिंधु नदी के तट पर। यहाँ के सबसे ऊंचे चबूतरों पर कौन सा स्तूप बना हुआ है? बौद्ध स्तूप। मेलुहा शब्द संभवतः किस लिए प्रयुक्त हुआ होगा? मोहनजोदड़ो के लिए। तो ये कुछ एक सामान्य जानकारी के रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण था। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।